डॉक्टर देखिए कंडीशन काफी क्रिटिकल है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे। पर डॉक्टर कुछ तो हो सकता होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप भगवान पर भरोसा। प्लीज डॉक्टर कुछ, डॉक्टर प्लीज कुछ कहिए डॉक्टर। I'm sorry, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा। बोलो। ओए असीन लांडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक्स भैया। और भाई 18 साल का हो गया है, आज तो बड़ी वाली पार्टी हो जाए। हाँ बिल्कुल, आज शाम को मिलते हैं, एकदम मस्त वाली एक पार्टी करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ चल मिलते हैं शाम को। चल बाय बाय। अबे साले रुको, नीचे रखो, इस बार तो रेस हो जाए। आ जाओ।
तू साले मेरे बर्थडे के दिन भी तू ही जीता था साले, जमीन से होगा नहीं अभी, और इतना बड़ा बेवड़ा बन गया है। सालो ये देखो मेरा बेबी, मेरा सोनू मोनू, मेरा सोनू मोनू को एक बड़ा वाला हैप्पी बर्थडे, मेरा बिग हग, लव यू ऑलवेज। अबे ये बच्ची कौन है बे? देखो बताया नहीं क्या, ये मेरी नई वाली फंटी है, पूरे 2 हफ्ते लंबा रिलेशनशिप है हमारा। 2 हफ्ते? अबे ये रिलेशनशिप कुछ ज्यादा लंबा नहीं हो गया तेरा? अरे नहीं यार, हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सीरियस हैं। अबे सीरियस तो तू स्वाति के लिए भी था, तेरे को जानता नहीं हूँ क्या मैं? साले हर हफ्ते नई लड़की पकड़ता है तू। अरे नहीं यार ऐसी बात नहीं है। अबे साले को देख, 13 लड़कियाँ घुमा चुका है, यहाँ देख खाता भी नहीं खुला है। अबे हाँ यार आरुष यार, उसकी बेचारे की सेटिंग करवा दे यार, मतलब पूजा के लिए पागल है यार ये। अबे यार ऐसी बात नहीं है। पता है कैसी बात, और मुझे समझ क्या रखा है बे तुमने, सेटिंग करा दो, मेरा क्या गोदाम है क्या लड़कियों का? वो सब छोड़ो, थोड़ी और पिलाओ आज, 18 साल का माँ यार। अबे नहीं भाई नहीं, पिछली बार मन्नू के बर्थडे पे बहुत पीली थी तो मम्मी ने कपड़े धोने वाले डंडे से मारा। अरे इस बार मम्मी को पता चल गया ना तो भाई। अबे कपड़े धोने के डंडे से मारा उसको। अबे काय काय से पिटता है घर पे, कभी झाड़ू से पिटता है कभी डंडे से पिटता है। भाई तू तो सोच नहीं पाएगा भाई कैसे पिटता हूँ भाई तू। अबे तू क्या हर जगह पिटता ही रहता है क्या? कल वो पिछले मोहल्ले में पिट के आया है तू, पिटने के अलावा कोई काम नहीं तेरे को? तेरा नाम गोल्ड ही रखा है, तेरा काम कभी गोल्ड वाले करता नहीं है। अच्छा भाई साले सब है हर पाँव में कुछ भी, किसी को आज तक। आज माँ की बहुत याद आ रही है यार। अबे क्या बे आरुष, कौन सी बात लेके बैठ गया आज? नहीं यार आज सच में माँ की बहुत याद आ रही है। यार ठीक है ना आरुष? नहीं है ठीक, ठीक नहीं है। साले तुम लोग क्या जानो यार, माँ की कमी क्या होती है। जब मैं घर जाता हूँ ना, कोई वहाँ पे गेट खोलने के लिए मेरा इंतजार नहीं कर रहा होता, खुद दरवाजा खोल के खुद अंदर जाता हूँ। टिफिन में मैं वो मैकडॉनल्ड्स का बर्गर लाता हूँ ना, इसीलिए लाता हूँ क्योंकि मेरे लिए पराठे बनाकर कोई खिला नहीं रहा है। अरे रूखी सूखी ब्रेड पर भी मैं खुद जैम लगा के खाता हूँ यार। जब मेरे 80% आते हैं कोई शाबाशी देने के लिए मेरा पीठ नहीं थूकता। आज मेरे बर्थडे के दिन कोई सुबह उठकर मुझे प्यार से गले लगाने वाला नहीं है। एक वो मेरा बाप, उसको पैसा कमाने से फुर्सत नहीं है। अरे नहीं चाहिए यार उसका पैसा, कुछ ही नहीं चाहिए यार मुझे, बस एक बार यार, एक बार अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। कुछ नहीं चाहिए। यार यार अब बस कर, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। अच्छे के लिए इसमें क्या अच्छा था यार? मैं पैदा भी नहीं हुआ था, उसके पहले मेरी माँ की मौत का कारण मैं था। एक बार यार, एक बार देख भी नहीं पाया। नहीं यार बात है, भगवान काहे का भगवान यार, काहे का भगवान।
अच्छे के लिए करता। अगर कुछ भी है भगवान, कुछ भी है, कुछ भी करता है, तो इतना एक बार करे सलाम। इस जिंदगी मेरी, इस लाइफ टाइम में एक बार मुझे मेरी माँ से मिलवा दे, फिर मेरा सब कुछ ले ले यार, सब कुछ ले ले, कितना 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 पैसा है यार, सब ले ले, मुझे ही मार दे यार, एक बार माँ से मिला दे यार। यार आरुष, मैं समझ रहा हूँ तो कैसा लग रहा होगा, पर तेरी माँ जहाँ भी होगी तेरे को ऐसा देख के खुश नहीं होगी। चल कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो मतलब? यहीं तो रहता हूँ। कहाँ रहते हो? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें? क्या मजाक करते हो यार, 18 साल से यहीं रह रहा हूँ। मल्होत्रा साहब का बेटा हूँ मैं। मल्होत्रा साहब का कोई बेटा नहीं, बेटी है। डैड, व्हाट इज दिस डैड? कौन है ये? मुझे अंदर नहीं घुसने दे रहा। देखो तुम जो भी हो, ऐसे फालतू के मजाक के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आई एम ऑलरेडी लेट फॉर माय ऑफिस। गार्ड भगाओ इसको यहाँ से। चलो डैड, क्या चलो जस्ट गेट आउट। चलो चलो, अरे एक सेकंड डैड, अरे चलो निकलो यहाँ से। डैड दिस इज नॉट फेयर डैड, मैं ऑफिस नहीं जाता इसलिए आप। चलो निकलो यहाँ से डैड, निकलो डैड। जानना भी जरूरी नहीं है, सवाल यह है कि अभी जो तुमने देखा वो क्या था? वॉचमैन तुम्हें अपने ही घर में जाने नहीं दे रहा, तुम्हारे डैड तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहे हैं, और तुम्हारी माँ जो सालों पहले मर चुकी थी वो भी जिंदा है। मेरी माँ, वो मेरी माँ थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो मेरे पैदा होते ही मर गई थी। इस दुनिया में क्या मतलब? मतलब ये कि जब तुम पैदा हो रहे थे तो डॉक्टर्स ने कहा था या तो तुम जिंदा रहोगे या तुम्हारी माँ, और इस दुनिया में तुम्हारी माँ से। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस दुनिया से आपका क्या मतलब? आरुष, तुम अभी उस दुनिया में हो जिसमें तुम्हारी माँ बच गई थी और तुम अभी पैदा भी नहीं हुए थे। This is parallel universe. What? Parallel universe? You must be kidding. विश्वास नहीं हो रहा है ना? अभी तो देखिए, कंडीशन काफी क्रिटिकल है, या तो हम माँ को बचा सकते हैं या फिर बच्चे। पर डॉक्टर कुछ तो हो सकता होगा। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस आप भगवान पर भरोसा। प्लीज डॉक्टर, कुछ डॉक्टर प्लीज कुछ कहिए डॉक्टर। आरुषि बेटा उठो,
कॉलेज के लेट हो रहा है। उठो उठो। और आज नाश्ते में क्या लोगे? आलू के पराठे? हाँ हाँ ठीक है। बेटा ये लो तुम्हारा टिफिन। और आज कॉलेज से डायरेक्ट घर आना, तुम्हारी बर्थडे चल रही है। चलो ऑल द बेस्ट। बाय मैम। बाय। अब क्या कहोगे? क्या आप भी मेरी बात नहीं मानोगे? मतलब मेरी माँ अभी भी जिंदा और मैं उनसे अभी भी मिल सकता हूँ। अब जब मौका मिल ही गया है तो मिल लो, सबको ऐसा मौका नहीं मिलता। सारी ज़िंदगी रोता रहा, माँ से मिला दो, माँ से मिला दो, और अब जब वो मिली है तो उसके सामने तक नहीं जाता। क्या बोलूँ उसके सामने जाके कि मैं उसका बेटा हूँ जो सालों पहले मर चुका है? अरे नहीं रे, ऐसे बोलेगा तो पागल समझ के भगा देगी तुझे। वही तो यार, एक तो इतने सालों बाद अपनी माँ से मिला, और मिला भी ऐसा हूँ कि ना उनसे मिल सकता हूँ ना उनके हाथों का खाना खा सकता हूँ। अरे उन्हें छू भी नहीं सकता यार, ऐसा मिलना भी कोई मिलना है क्या? तू तो उससे मिलेगा नहीं, उसी तेरे पास भेजना पड़ेगा। क्या मतलब तू तो उससे मिलेगा नहीं? अगर वो तेरे पास आती है तभी तो तू उससे मिल पाएगा। और क्यों नहीं आएगी मेरे पास? पागल थोड़ी ना है वो। बकवास कर रहे हो यार। मेरी बेटी है, उसका नाम आरुषि है। चाहती तो मैं भी ये थी कि अपने बेटे का नाम आरुष हो, पर आपकी बेटी होगी वो अब रहा नहीं। मैं
मैं यहाँ नहीं रहती। अच्छा, बस बेटा ये सामान मुझे दे दो, मेरी बेटी आ जाएगी, फोन कर लेती हूँ उसको। इस जिंदगी मेरी इस लाइफ टाइम में एक बार मुझे मेरी माँ से मिलवा दे, फिर मेरा सब कुछ ले ले यार, सब कुछ ले ले, कितना 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 पैसा है यार, सब ले ले, मुझे ही मार दे यार। अब जब मौका मिल ही गया है तो मिल लो, सबको ऐसा मौका नहीं मिलता।